हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट के बारे में, जो अभी 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। पिछले साल की तरह ये बजट भी पेपरलेस बजट है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, लेकिन वो अंतरिम बजट था और जिस साल लोकसभा के चुनाव आयोजित कराए जाते हैं उसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है। हमेशा की तरह इस साल भी 2024 को 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब नई सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार का नया बजट पेश किया गया है। अब हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है। बजट में एक साल का लेखा जोखा होता है, अर्थात सरकार आने वाले एक साल में क्या करने वाली है, कहां कहां पैसे खर्च किए जाएंगे और कहां से पैसे आएंगे। भारतीय संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट के साथ दो बिल भी पेश किए जाते हैं। पहला है फाइनेंस बिल, यानी वित्त विधेयक होगा जिसमें सरकार की कमाई का लेखा जोखा होता है, और दूसरा बिल है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि विनियोग विधेयक, जिसमें सरकार के खर्च का हिसाब किताब होता है। देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शणमुखी चेट्टी ने पेश किया था। 1958-59 में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बजट पेश किया और ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय का पद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। वित्त मंत्री का पद संभालने वाली और बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं इंदिरा गांधी जी और दूसरी महिला हैं निर्मला सीतारमण जी। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा है। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था और 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने एक टेबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। 2020 में निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, जो कि सबसे लंबा बजट भाषण था। सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में H.M. पटेल जी ने केवल 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था।